तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एलविश यादव पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि एलविश यादव जो है वो जहरीले सांपों का तस्करी करते, साथ ही उनका जहर निकाल कर उसे बेचते, साथ ही उन पर ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि वो ड्रग्स का भी सप्लाई करते और साथ ही फॉरेन से लड़कियों को ला कर उनका इंडिया में सप्लाई करते। और ये सारे जो फेक न्यूज इंटरनेट पर फैल रहा था, इससे एलविश यादव की इमेज को खराब करने का कोशिश किया जा रहा था। तो इन सारी चीजों का रिप्लाई देते हुए एलविश यादव ने आज एक वीडियो डाला जहां पर उन्होंने खोल कर बताया कि आखिर ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई और किसने आखिर इस चीज की शुरुआत की। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया कि मेनका गांधी जो कि लोकसभा की एक मेंबर भी है, और इन सारे फेक न्यूज की शुरुआत जो है मेनका गांधी के एनजीओ की तरफ से किया गया जो कि एनवायरमेंट प्रेमी बताया जाता है। और मेनका गांधी ने बताया कि उनका जो एनजीओ है वो बहुत दिन से एलविश यादव पर नजर रखे हुए था और हाल ही में एलविश यादव को सांप का जहर बेचते हुए पकड़ा गया, साथ ही उनकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी लीक हुई है। तो इन सारी चीजों की शुरुआत मेनका गांधी के उस एनजीओ की वजह से हुई जहां पर उस एनजीओ ने एलविश यादव पर एक एफआईआर दर्ज करवाया, जहां पर उन्होंने बताया कि एलविश यादव सारी चीजों में शामिल। ऐसे ऐसे मेनका गांधी उनका कोई एनजीओ है, उनने करा है सांप वाप पकड़े और मेरी फोटो दिखा रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लेडी कि इस बंदे को हम देख रहे हैं इसे अपने गले में सांप पहनता है। साथ ही यहाँ पर एलविश यादव ने क्लियरली बोल दिया है कि जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा तब वो मेनका गांधी को नहीं छोड़ने वाले, यानी कि वो उन पर डिफेमेशन केस करेंगे कि उन्होंने एलविश यादव पर बहुत ही गलत इल्जाम लगाए थे जो कि बिल्कुल बेबुनियादी थे। मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ सांपों का हेड जो सांप बेचने वाला सप्लायर, एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीजों में, पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है नहीं करते हो करके छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें चीजों में, बट जब इमेज खराब होती है ना बड़े गंदे तरीके वाली इमेज खराब होती है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या मेनका गांधी को जो कि लोकसभा की एक मेंबर भी है उन्हें बिना सबूत के कुछ इस तरीके का बयान देना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे अपडेटेड रहने के लिए खबरी मैन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर।